सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेशनल सर्वेयर यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल के आइकन पे ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं क्रॉस सेक्शन का कैलकुलेशन बताऊंगा कि हम कैसे क्रॉस सेक्शन का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसके रिलेटेड आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे NSL लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे यानी जो भी लेवल आप लेते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे शो करना है, ठीक है, एग्जिस्टिंग लेवल हो या NSL हो, ठीक है। तो इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में ये सेंटर लाइन है, ये जो RD मैंने रीड किया है वो RD है, ठीक है, और डिस्टेंस पे मैंने मेंशन किया है, ठीक है, ऑफसेट, ये जो लेवल है रिड्यूस लेवल, ये मैंने सेंटर का लिया था, और ये पर राइट लेफ्ट मैंने लिया है, ठीक है, ये जो ऑफसेट है ये मेरे राइट लेफ्ट के ऑफसेट है। तो अभी इसके कैलकुलेशन में बताऊंगा डियर फ्रेंड, इसके कैलकुलेशन इस तरह होता है कि ये हमने यूज करना है बतौर HI, ठीक है, यानी 515.962, ठीक हो गया फ्रेंड। ये शिफ्ट रिकॉल एक के साथ ही मैंने सेव करना है, ठीक है, ये ऑलरेडी सेव हो गया। तो इसका कैलकुलेशन ऐसे करना होता है कि अगर हमारा ये प्लस में है, ये वर्टिकल जो डिफरेंस होता है, अगर प्लस में है तो वो आपने प्लस करना है, अगर माइनस में है वो आपने माइनस करना है, ठीक है। आप फॉल राइज इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अपने असानता के लिए सिर्फ ही फॉल कॉलम में ही मैंने लिखा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये दो तीन कैलकुलेशन में करके दिखाता हूँ। ये 8.406 है, ठीक है, ये प्लस में है, ठीक है, तो मैंने इसके साथ प्लस करना है, प्लस रिकॉल ए, ऑलरेडी रिकॉल यानी ऑलरेडी एम ए जो है हमारे पास ये वैल्यू रिकॉर्ड है, तो ये मैंने इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद इसके सामने इस ऑफसेट के, इस ऑफसेट के सामने ये मैंने लिखना है 5.4.368, ठीक हो गया। इस तरह ये है 9.721 प्लस रिकॉल ए, ठीक है, तो ये 5.683, ठीक हो गया। इसके अलावा ये मैं माइनस का कैलकुलेशन ये करता हूँ अभी, तो ये देखें ये माइनस है, तो मैंने क्या करना है, माइनस रिकॉल ए, ठीक है, माइनस 2.61, ठीक हो गया, ये मैंने माइनस करना है, तो ये 515.962, ये मैंने इससे माइनस करना है 2.610, ठीक हो गया, तो ये आ गया 513.352। तो डियर फ्रेंड, हम इसी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, यानी हमारे जो सेंटर का लेवल होता है, सेंटर के लेवल हम टेक करते हैं, फिर उसी पॉइंट के ऊपर यानी सेंटर के ऊपर हम MLM 00 करते हैं, फिर MLM राइट लेफ्ट पे हम जो है वो रीड करते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी शो होता है और साथ वर्टिकल डिफरेंस भी होता है। अगर हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो तो हमने नोट करना होता है, वर्टिकल भी नोट करना होता है, अगर हमारा वर्टिकल जो है वो माइनस में है तो वो हमने माइनस करना है इस लेवल से, अगर प्लस में है तो वो हमने प्लस करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो तमाम जितने भी आपके इस फील्ड के साथ रिलेटेड है दोस्त, तो उनके साथ तमाम शेयर कीजिए। ये बेसिकली मैंने एक फ्रेश स्टूडेंट है उसके उसने रिक्वेस्ट किया था, तो उसके लिए मैंने ये स्पेशल बनाया। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।